हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्पेशल स्वादिष्ट फूले फूले भटूरे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही इजी है, तो फ्रेंड्स आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की। सबसे पहले हम भटूरे के लिए डो तैयार करते हैं। इसके लिए 2 कप मैदा लिया है। मैदा को अच्छे से छानकर यूज करें। लगभग 300 ग्राम मैदे का यूज किया है यहाँ पर मैंने। अब इसमें 50 ग्राम के करीब बारीक वाली सूजी ऐड कर दें। सूजी डालने से हमारे भटूरे बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड कर दें। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऑप्शनल है, जो भी डालना चाहते हैं वो डाल दें। इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश दही का यूज करेंगे। दही डालने से हमारे भटूरे बहुत ही अच्छे लगते हैं स्वादिष्ट खाने में। इसमें फ्रेश दही का यूज करना है, खट्टा ना हो दही। और यदि आप दही नहीं पसंद करते हैं तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। विदाउट कर्ड के भी अच्छे भटूरे बनते हैं हमारे। 2 टेबलस्पून इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर दें। रिफाइंड ऑयल की जगह आप शुद्ध देसी घी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ऐड कर दिया है। आप पानी को हल्का सा गुनगुना करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पानी ऐड करते जाएं और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। इसका डो टाइट नहीं रखना है, हल्का गीला ही रहेगा। भटूरे के लिए हल्का हमारा डो गीला होना चाहिए। इसे अच्छे से गूंथ लिया है। इस तरीके से इसको गूंथें ताकि सूजी और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। यदि हमारे हाथ में ये चिपक रहा है तो हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाकर इसको इस तरीके से गूंथते जाएं। ऐसा करने से ये अच्छे से मिक्स हो जाता है और हमारे भटूरे अच्छे फूलते हैं इस प्रोसेस को करने से। ये हमारा डो अच्छे से गूंथ गया है। अब हाथ में रिफाइंड ऑयल लें और इसके ऊपर पूरे में रिफाइंड ऑयल लगा लें और इसे 8 से 10 बार इस तरीके से पटकते हैं। देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से करें। ऐसा करने से ये हमारा मैदा है, इसमें हल्कापन आता है और इस प्रोसेस को करने पर हमारे भटूरे अच्छे फूलते हैं। हमने 8 से 10 बार इस प्रोसेस को करने के बाद इसमें रिफाइंड ऑयल लगा दिया पूरे में और एक कॉटन के कपड़े को गीला करके इसके ऊपर ढक दिया है। इसे अब 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दें ताकि अच्छे से ये फूल जाए। 3 से 4 घंटे बाद ये हमारा डो अच्छे से फूल कर रेडी हो चुका है। अब इसकी इस तरीके से लोइयां तोड़ते हैं। ऐसा करने पर इसमें कोई भी दरार नहीं पड़ती है और अच्छे से लोइयां एक ही शेप में बनकर तैयार होती हैं। सभी लोइयों को हमने तोड़ लिया है। फ्रेंड्स, यदि आपको छोले की रेसिपी वाला वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैंने छोले का वीडियो आपके साथ शेयर किया है। अब पटे और बेलन में रिफाइंड ऑयल लगा लें और लोई को रखकर आप इसे लंबा या सर्कल जिस भी शेप में आप बेलना चाहते हैं उसे इक्वल एक सा बेलें। कहीं मोटा या पतला ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक सा बेलना है। रिफाइंड ऑयल अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है। इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा डालकर देखा। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। इसमें भटूरा डाला और इसको ऐसे प्रेस करें तो हमारा भटूरा अच्छे से फूल जाएगा। ध्यान रखें, इसके यदि कढ़ाई हमारी
ठंडी रहेगी तो हमारे भटूरे फूलेंगे नहीं, कड़े कड़े होंगे। ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा भटूरा बनकर रेडी है। आप सर्किल किसी भी शेप में बनाना चाहते हैं वैसे बना लें। दोनों तरफ सिक कर रेडी हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे भटूरे को दोनों तरफ से डीप फ्राई कर लें। बस एक बात का ध्यान रखें कि हमारा ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। यदि हमारा रिफाइंड ऑयल अच्छा गर्म नहीं होगा तो भटूरे अच्छे नहीं बनेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में जो भी मैं किचन प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, तो फ्रेंड्स आप उस लिंक में जाकर ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए। ये देखिए कितना अच्छा भटूरा बनकर रेडी हुआ है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। छोले के साथ भटूरे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।